बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एग पुडिंग, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जो मैंने इसके लिए चीज़ें ली हैं, पहले हम कैरेमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन आधे से आधा कप चीनी ली है, और इसके लिए हमें एक कप दूध चाहिए, तीन अंडे लिए हैं हमने, वनीला एसेंस लिया है हमने, और ये हमने कंडेंस मिल्क लिया है एक डब्बा। हम चीनी नहीं डालेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप आधा कप चीनी डाल लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। जी व्यूवर्स, ये फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और अब हम ये चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हमने इसी में मेल्ट करना है। ये व्यूवर्स ये देखें, मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इस तरह से हमने इसे आप इसमें दो तीन ड्रॉप पानी के ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने पिघला लेना है। जी व्यूवर्स ये देखें, जी व्यूवर्स ये देखें, ये हमने सारी इसके अंदर डाल दी है। इस तरह से आपने डाल देनी है और बाकी हमने इसको साइड पे कर लेना है। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे और अब हम ये बनाएंगे जो हमने चीज़ें बनानी थी। साथ ही हम पानी पहले गर्म करने के लिए रखेंगे। जी व्यूवर्स ये देखें, हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। आपने इतना पानी रखना है कि ये आपके स्टैंड जो है ना उसके ऊपर ही रहे। इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। ये जब तक गर्म होगा, साथ साथ हम मटेरियल बना लेंगे पुडिंग का। ये हम अंडे लेंगे। जी व्यूवर्स, ये से हम अच्छे से फेंटेंगे। ये देखें इस तरह से। जी व्यूवर्स ये देखें, ये अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब हम साथ साथ ये वनीला एसेंस डालेंगे। इसके हमने तकरीबन दो तीन ड्रॉप डालने हैं। साथ में हमने ये कैरेमल जो लिया था ये डालेंगे। और जी व्यूवर्स, ये हम कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसको साथ साथ फेंटते जाएंगे। इस तरह से हमने सारे डाल के इसको फेंटते रहना है साथ साथ। जी व्यूवर्स, ये मैंने डाल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने एक कप जो दूध लिया था ये इसमें हमने थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी व्यूवर्स ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। सारी चीज़ें हमने डाल ली थी और ये पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है। ये आपको मैं बता दूं,
ये देखें पानी स्टीम ऊपर आ रही है। ये अब हम इसमें ये सारा मटेरियल जो है हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से हमने डाल देना है कैरेमल जो हमने बनाई थी उसके ऊपर हमने बाउल में डाल देना है इस तरह से। अब हम आराम से बाउल को इसके ऊपर रखेंगे और हमने आंच तकरीबन बिल्कुल हल्की कर देनी है, बिल्कुल मीडियम, और हमने कवर कर देना है तकरीबन आधा पौना घंटा हमने इसे इसी तरीके से कवर रखना है। जी व्यूवर्स, ये हल्की सी स्टीम आ जाए तो इसे हमने जिस तरह से स्टीम आ गई है अब हमने इसे कवर कर देना है ऊपर से इस तरह से। आप चाहें तो जिस टाइम इसको रखने लगेंगे उस टाइम पे भी आप कवर कर सकते हैं, बस इस तरह से आपने कवर करके इसको रख देना है। जी व्यूवर्स, ये देखें ये हो चुका है, इसे हम चेक करेंगे। ये देखें इसके साथ नहीं लग रहा, इसका मतलब ये हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छे से बन चुका है, इसे हम थोड़ा ठंडा करके उसके बाद हम इसे फ्रिज में तकरीबन एक घंटे के लिए रख देंगे, फिर आपको बताएंगे। जी व्यूवर्स, ये देखें 2 घंटे पुडिंग को फ्रिज में रखने के बाद मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे प्लेट में डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने छुरी से कर लेना है, उसके बाद आपने प्लेट ऊपर रखी। बिस्मिल्लाह। ये देखें बहुत मज़ेदार सी पुडिंग तैयार है। आप चाहें तो इसे किसी तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं और ना भी करना चाहें तो आपकी मर्जी। हम स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर रखेंगे। देखें व्यूअर्स, अब हम इसे जी व्यूवर्स, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हम पीस इसका निकाल लेंगे तो उसे और आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छे से ये बना है। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यम्मी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी सा बना है। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।